Brought to you by ITIL. एक कंपनी है जहां बड़ी मेहनत से दिन रात एक कर काम करते हैं। ये नौकरी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, केवल इसलिए नहीं कि आपको महीने के आखिर में एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप इस जगह से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। एक इमोशनल कनेक्ट है आपका, ऐसा कनेक्ट जिसे सींचने में वक्त लगा है, कोई एक दो साल नहीं, पूरे 33 साल। और फिर एक दिन पता चलता है कि कंपनी को अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। यू आर रिलीव्ड ऑफ योर ड्यूटीज़। किसी को भी ये सुनकर धक्का लगेगा, ख़ासकर उसे जिसने पूरी लगन और मेहनत से अपना काम किया हो। लेकिन हम आपको आज ये सब क्यों बता रहे हैं? दरअसल अमेरिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने 33 साल पुराने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया है। जिस व्यक्ति के साथ ये सब हो उनका नाम है जेफ बोगडन। उन्होंने लिंक्डइन पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। ये पोस्ट उन्होंने 15 अप्रैल को किया था, उसके बाद से इस पर लगातार खूब एंगेजमेंट आ रहा है। जेफ की लिंक्डइन प्रोफाइल कहती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में लर्निंग एंड डेवलपमेंट L&D के निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में करीब 33 साल काम किया, यानी उन्होंने अपने करियर का एक बहुत लंबा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही गुजारा। हालांकि अब उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर आप ओपन टू वर्क वाला हरा बैनर भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेफ को फरवरी में बर्खास्त कर दिया गया था। बताया गया कि जेफ की नौकरी HR द्वारा L&D डिपार्टमेंट के लिए हब और स्पोक मॉडल अपनाए जाने की वजह से गई। जेफ खुद ही इस मॉडल को पिच भी कर रहे थे। जेफ ने अपनी पोस्ट में जो लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। जेफ लिखते हैं, अद्भुत माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरा 33 साल का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में पिछले 2 हफ्ते बिताए ताकि मैं इस जगह को, जो मेरे लिए दूसरे परिवार जैसी है, ढंग से अलविदा कह सकूं। इसके बाद मैंने 2 हफ्ते चिल, जो कि वॉशिंगटन राज्य में एक शहर है, वहां पर बिताए। आधा समय परिवार के साथ और आधा समय अकेले चिंतन में बिताया। मेरा पूरा माइक्रोसॉफ्ट करियर एक अविश्वसनीय सफ़र की तरह रहा। जिन 3 उत्पादों पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है वो हैं विंडोज़ फ़ोन, ज़ून और विंडोज़ 95। लेकिन मेरे लिए सबसे ख़ास पिछले 2 वर्ष रहे जब मैंने विंडोज़ में L&D डिपार्टमेंट में रोल के लिए प्रस्ताव रखा और मुझे ऐसा करने का मौका भी मिला। मेरा सोचना था कि कंपनी में लर्न इट ऑल, यानी सब कुछ सीखो वाले माइंडसेट को सफलतापूर्वक फैलाने के बाद टीच इट ऑल, यानी सब कुछ सिखाओ वाले माइंडसेट को फैलाने का समय आ गया है। मैंने 2000 लोगों की कंपनी के लिए लर्निंग इन्वेस्टमेंट्स को व्यवस्थित करने पर फोकस किया और फिर इसे हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल HR की तरफ से दी जाने वाली L&D पेशकशों के साथ लाने पर काम किया। मेरी नौकरी का चले जाना HR द्वारा L&D के लिए हब एंड स्पोक मॉडल को अपनाने का परिणाम था जिसे मैं पेश कर रहा था। अफसोस की बात यह है कि जब मेरे डिवीजन में पहले से ही L&D टीम मौजूद थी तो मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। काफ़ी चिंतन के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि मैं 8 शब्द यानी रिटायरमेंट के पास दूर दूर तक नहीं हूँ। अभी भी बहुत कुछ है जिसमें मैं योगदान देना चाहता हूँ। तो अब शुरू होता है मेरा दूसरा करियर ढूंढने का सफ़र। मैं कंसल्टिंग से शुरू कर सकता हूँ। कंसल्टिंग को मैं इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जानने समझने के जरिए के तौर पर देख रहा हूँ ताकि मेरी विशेषज्ञता का बेहतर इस्तेमाल हो सके। जबकि इस पोस्ट पर लोग तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने कहा कि लोग तो कहते हैं बस बढ़िया काम करो और नौकरी बच जाएगी, लेकिन यहां तो विंडोज 95 बनाने वाले जेफ बोगडन भी पर्याप्त साबित नहीं हुए, तो बाकी लोगों के लिए क्या ही उम्मीदें हैं। कुछ लोग जेफ से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस बात का जरा भी आभास था कि जो मॉडल आप पिच कर रहे हैं हब एंड स्पोक मॉडल, उसकी वजह से आपकी खुद की नौकरी जा सकती है? इस पर जेफ ने जवाब देते हुए कहा, मुझे इतना तो पता था कि इसमें रिस्क होगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैंने 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा सीखा जिसका काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जेफ बोगडन अपनी इस जॉब हंट में कामयाब हो पाएं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएं, तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।